Hello everyone, how are you? I hope you all are fine, beta. So this is Anurinder Kaur, your computer and JK teacher. On the behalf of Paramount Public School, today I'm explaining you some pages of non-anchron with Derek. Before starting today's video, I'm telling you one thing. I'm using beta Hindi as well as English in this video. So let me start. This is beta my first video of essay 2. Term 2, okay? Term 2 start from concept number 32, Art and Painting of India. Page number is 49, okay? So first is read the clues and identify the type of the painting using this help box. Beta, these are the clues you can see here, and this is the helping box. Using read these clues, we use the correct painting name on the given space. यहाँ पे space है, clue को read करना है, उसके बाद हम लोगों ने painting को find करके help box में से वहाँ पे write करना है, okay? Firstly, I'm start from first. This painting is also known as Mithali art. इस painting को Mithali art के नाम से भी जाना जाता है. It is characterized by fine line drawing filled with bright earthly color. इस painting को characterized किया गया है, okay? जो मतलब हम कह सकते हैं कि इस painting जो की जो खासियत है, this is a brightly earthly color. इसकी जो shiny, ठीक है, shiny और चमकीले कलरों के साथ और fine line drawing और इसकी जो मतलब कि painting की जो lines हैं, ठीक है, वो इतनी फाइन है, चमकीली कलरों से बनी हुई हैं. दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस पेंटिंग. दिस पेंटिंग डिस्प्ले ट्राइब मॉफिट्स आर डन ऑन द फ्रेशी प्लास्टर और मट. ये पेंटिंग जो है वो क्या करती है, जो भी आदिवासी हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करती है. और ये फ्रेशी प्लास्टर, ताजे प्लास्टर पर या फिर मट की मिट्टी की दीवार पर बनाई जाती है. एंड द नेम ऑफ दिस पेंटिंग इज बेटा मधुबनी. एंड द नेक्स्ट इज बेटा द ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम द इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चोलास. ये जो आर्ट ट्रेडिशनल है, ओके, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये चोलास काल से चली आ रही है. द लिबरल यूज द गोल्ड लीफ एंड द प्रीशियस and semi-precious stone in one of the main feature of this art. इस painting को gold leaf, सुनहरी पत्तों, बहुत ज़्यादा कीमती stones से बनाया गया है. ये is a one of the main feature of this art. ये golden leaf और precious और semi-precious stone जो हैं, ठीक है, वो इस painting की खासियत हैं. This is a Tanjore painting, okay? This is a style of the religious scroll painting that is practiced in the state of the Rajasthan. बेटा ये जो scroll painting है, ठीक है, ये राजस्थान state का main हम कह सकते हैं कि वहाँ की ये काफ़ी famous painting है. This is a traditionally using the long piece of the cloth or canvas. इसे बनाने के लिए कपड़े या फिर canvas, लंबे कपड़े का या canvas का use किया जाता है. The stories of the folk that is like Babuji and Dev Narayan are the portrayed on the scrolls. ये जो stories हैं देवताओं की, जितनी भी stories होती हैं, जैसे Babuji या Dev Narayan, ठीक है, वो सारी पोर्ट्रेट प्रस्तुत की जाती हैं स्क्रोल के ऊपर. द पेंटिंग नेम इज फाड, PHAD. महाराष्ट्र इज वन ऑफ द होम ऑफ दिस फॉर्म ऑफ द पेंटिंग विच इज नेम्ड आफ्टर द लार्जेस्ट ट्राइब लिविंग ऑफ द नॉर्थ आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई. बेटा ये जो पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ वर्ली पेंटिंग. ये महाराष्ट्र का हम कह सकते हैं कि घर है ये पेंटिंग. और इस पेंटिंग का नेम जो है, जो वहाँ के रहने वाली जनजाति है, ठीक है, उनके थ्रू पड़ा है. द पेंटिंग आर डन ऑन द मड आर्ट बेस यूजिंग द मेनली वाइट कलर. ये जो पेंटिंग है, ये मिट्टी के ऊपर, मिट्टी का आर्ट है, जिसमें मेनली हम यूज़ करते हैं वाइट कलर एंड ओकेजनली डॉट्स ऑफ द रेड एंड येल्लो. और डॉट्स के लिए हम ओकेजनली
जो पेंटर्स हैं वो रेड या फिर येलो कलर यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ वर्ली पेंटिंग. दिस स्टाइल ऑफ द पेंटिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर आर्ट ऑफ द ओडिशा. ये सबसे ज़्यादा पुराना और मोस्ट पॉपुलर आर्ट है बेटा ओडिशा का. इट्स अ गेट इट्स अ नेम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड ऑफ द कैनवास एंड पिक्चर. ठीक है, इसका जो बेटा नेम है वो संस्कृत वर्ड, ठीक है, फॉर जो यूज़ करते हैं हम कैनवास या पिक्चर के लिए. ठीक है, द पेंटर यूज नेचुरल इन्ग्रीडियंट टू मेक दिस पेंटिंग. जो पेंटर्स हैं वो नेचुरल इन्ग्रीडियंट यूज़ करते हैं, जैसे कलर्स के लिए वो फ्लावर्स का यूज़ करते हैं. दिस इज बेटा पाता चित्रा पेंटिंग नेम. दिस वर्ड्स ऑफ द आर्ट यूज टू डेकोरेट द टेम्पल वॉल्स. ये जो आर्ट है इसे जो हम मंदिरों की दीवारें देखते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए ये पेंटिंग यूज़ की जाती है. मेनली बिहाइंड द आइडल्स, मेनली जो मूर्तियाँ होती हैं उनके पीछे जो भी मतलब की जाती है कारागिरी वो इसके थ्रू होती है. समटाइम रिच एम्ब्रॉयड्री टू एप्लिक वर्क टू ऑल्सो यूज टू दिस पेंटिंग. जैसे बहुत बहुत हम कह सकते हैं कि अच्छी एम्ब्रॉयड्री के लिए या फिर बहुत उससे भी ज़्यादा अच्छे जैसे हम मीनाकारी कह सकते हैं उसके लिए हम इस पेंटिंग को यूज़ करते हैं. दिस इज अ पिछवाई, ठीक है, दिस इज अ पिकवाई भी कह सकते हैं हम इसको, पिकवाई पेंटिंग. ओके, एंड द नेक्स्ट पेज बेटे कॉन्सेप्ट 33 टेम्पल ऑफ इंडिया. टेम्पल्स ऑफ इंडिया पेज नंबर इज अ 50. आइडेंटिफाई द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ क्लू एंड द हेल्प बॉक्स. ओके, दीज आर द क्लूज एंड दिस इज द हेल्प बॉक्स. हमने हेल्प बॉक्स को और क्लू को रीड करके टेम्पल का नेम यहाँ पे राइट करना है विद द पेंसिल. ओके, दीज टेम्पल्स इन राजस्थान इनश्राइन वेरियस जैन तीर्थकर्स. ये जो टेम्पल्स हैं राजस्थान में, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि जैनों के जितने भी तीर्थ स्थान हैं बहुत सारे यहाँ पे जैन तीर्थ स्थान हैं. दिस इज अ दिलवारा टेम्पल लोकेटेड एट द महाबलीपुरम. दिस इज अ टेम्पल ओवरलुक द बे ऑफ बंगाल. ये बेटा महाबलीपुरम में है और इसकी जो ओवरलुक हम कह सकते हैं कि ये बंगाल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इट्स अ सोर टेम्पल, बंगाल की एक लुक है इसमें. दिस टेम्पल इज अ हेलिपिट, इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्स्टाइन आर्किटेक्चर. बेटा ये जो टेम्पल है हेलिपिट, ये एक उदाहरण है, ठीक है, होल्स्टाइन के एक वास्तुकला, मतलब कि हम कह सकते हैं वहाँ की एक झलकी है. द टेम्पल नेम इज द होलेश्वर मंदिर. ओके, होलेश्वर मंदिर टेम्पल. The deities of this temple at Puri are generally known as the Trimurti. ये जो देवताओं का मंदिर है पुरी में इसे त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, as well as the चतुर्धम मूर्ति और चतुर्धम मूर्ति के. ये तीन मूर्तियाँ, तीन हम यहाँ पे देख रहे हैं ना टेम्पल लाइक, त्रिमूर्ति और उसको चतुर्धम मूर्ति भी कहा जाता है. This is a जगन्नाथ temple. लोकेटेड इन द गुजरात, ये गुजरात में है बेटा. वॉज प्लंडर्ड बाय, प्लंडर्ड मीन्स लूटा था, जिसे मोहम्मद गजनी ने लूटा था. सोमनाथ टेम्पल. दिस टेम्पल इज सिचुएटेड इन द तंजावर, ठीक है, तंजावर में है ये. विल्ट बाय द राजराजा चोल, इसे राजराजा चोल ने बनाया था. दिस इज अ, यस, द नेम ऑफ दिस टेम्पल इज बेटा बृहदीश्वर टेम्पल. ओके, दिस इज अ क्लू बॉक्स. आई एम राइटिंग द नंबर्स ऑल्सो एंड आई एम बेटा सेंडिंग यू PDF ऑफ दिस वीडियो. सो राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड यूज ओनली पेंसिल ऑन योर बुक. थैंक यू.